सब्सक्राइब कीजिए काउंटलेस स्टोर को और आने वाली हर एक न्यू वीडियो की अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हेलो व्यूवर्स, आज आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब के चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप घर पर किस तरह से आयरन कटिंग ब्लेड बना सकते हैं ड्रिल मशीन की सहायता से। उसके लिए हमें कुछ बेसिक नीड्स की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा आयरन कटर ब्लेड चाहिए होगा। उसके लिए ये आपको किसी भी हार्डवेयर की शॉप से मिल जाएगा। दोस्तों, ये मैंने वेस्टेज यूज़ किया हुआ है। अगर आपको इसका फुल साइज चाहिए तो ये हार्डवेयर की शॉप से इतना बड़ा हमें मिलता है। दोस्तों, ये मैंने जो ग्राइंडर में ब्लेड लगा होता है उसका जो वेस्ट बच जाता है उसका मैंने यूज़ किया है। इसी तरह से आपको मैं बना के दिखाऊंगा। मैंने बड़ा इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि जब हम बड़ा यूज़ करते हैं उससे ड्रिल मशीन वाइब्रेट करती है, जिससे हम हैंडलिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आप किस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमें नट और बोल्ट की जरूरत पड़ेगी, जैसे आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमें एक स्क्रू चाहिए होगा, स्क्रू के साथ उसका बोल्ट भी चाहिए होगा। वार्सल को लगा के आप उसको ऐसे टाइट कर सकते हैं प्रॉपरली। और पहले मैंने जोन से मेरे पास से रखे हुए हैं उसको मैंने पहले यूज़ कर लिया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरे पास आयरन कटर ब्लेड है। इसमें मैंने किस तरह से इसको फिट किया हुआ है। सबसे पहले मैंने नट को इसमें डबल वार्सल मैंने दिया है ताकि ये वाइब्रेट ना करे और अच्छे से फिक्स रहे। और उसके बाद मैंने तीन नट बोल्ट का यूज़ किया हुआ है। तीन मैंने इसलिए यूज़ किया हुआ है ताकि ये ड्रिल मशीन चलने के साथ ये खुले ना और रिस्क काफ़ी कम हो जाए। तो दोस्तों, अब मैंने इसको प्रॉपरली इसको टाइट कर लिया है। टाइट करने के लिए आप दो टूल का यूज़ कर सकते हैं, एक प्लायर यूज़ कर सकते हैं और एक नट बोल्ट कसने वाली चाबी का भी यूज़ कर सकते हैं। इससे मैंने प्रॉपरली इसको टाइट कर लिया है अच्छी तरह से। और आप अच्छी तरह इसको टाइट कर लेना, अगर आप अच्छे से टाइट नहीं करोगे तो ये बीच में खुल भी सकता है, जो कोई भी मिसहैपनिंग या रिस्क दे सकता है। इसलिए आप ज़रा सा भी इस चीज़ में कोई भी नेगलेक्ट लेके मत चलें। तो इसलिए आप इसे प्रॉपरली कस लीजिए। कसने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ ये ड्रिल मशीन में कैसे फिट होगा। दोस्तों देखिए, ये है हमारे पास ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन में मैं इसे, जो मैंने ये टूल्स बनाया हुआ है, इसको मैं ऐसे इसको यहाँ पे डालूँगा और प्रॉपरली जो ड्रिल की ड्राइवर होता है उससे मैं इसको प्रॉपरली टाइट कर लूँगा। आप देख सकते हैं, आप इसको प्रॉपरली टाइट कर लें, किसी भी तरह का रिस्क ना लें। ये देखिए, ये मैंने प्रॉपरली टाइट कर लिया है। अब आप इसको प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। और छोटा इसलिए है, ये आपको हैंडलिंग भी कर सकते हैं और वाइब्रेट मशीन बिल्कुल भी नहीं करेगी। और बस आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना होगा और थोड़ा सा हार्ड ढंग से मशीन को पकड़ना होगा, जिससे आप आसानी से कोई भी आयरन की चीज़ को कट कर सकते हैं। आप मशीन से ही हर कोई चीज़ आयरन की कट कर सकते हैं और लाइट चीज़ होती है वो आसानी से काट देता है। अब मैंने ये अच्छे से टाइट कर लिया है। अब आप छोटी मोटी चीज़ काटने के लिए इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और आज मैं आपको एक लाइट वेट की चीज़ कट करके दिखाऊंगा। चलिए आगे देखते हैं कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स,
हमने इसको अच्छे से कटिंग कर लिया है। आप इसी तरह से आसानी से ड्रिल मशीन के साथ कटिंग ब्लेड का यूज़ करके आप भी कोई भी चीज़ आसानी से काट सकते हैं। दोस्तों देखिए, हमने इसको कटिंग कर लिया है। अब आप, ये बहुत यूज़फुल आ चुका है। आप इसमें कोई भी चीज़ आसानी से रख सकते हैं, अपना टूल किट भी बना सकते हैं, टूल की कोई भी चीज़ इसमें यूज़ कर सकते हैं, फ्लावर पॉट बना सकते हैं। जिस चीज़ के लिए आपको इसको यूज़ करना है, आप उसी पर्पज़ के लिए आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं एक सिंपल सी ट्रिक के साथ। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।